नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात आगर मालवा की होगी, जहां पुलिस को मिला गुम हुआ 6 वर्षीय बालक। परिजनों से संपर्क में जुटी पुलिस। साथ ही बात होगी भोपाल की, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अचानक पहुंचे PHQ और बताएंगे कैसे सहारनपुर में दिन दहाड़े युवक पर चाकू से हमला कर किया गया घायल। आरोपी मौके से हुआ फरार, पुलिस जांच में जुटी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। कोतवाली पुलिस को आगर बस स्टैंड से एक 6 वर्ष का गुम हुआ बालक मिला। आरक्षक शिवम यादव बच्चे को लेकर कोतवाली थाने पहुंचे, जहां बच्चे से उसके घर परिवार के बारे में पूछताछ की गई। मामले में आरक्षक रवि राठौर बच्चे से सारी जानकारी जुटाकर उसके परिजनों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक लापता बच्चा 6 वर्ष का है और उसका नाम कार्तिक, पिता करण मीना है। वह भोपाल के समीप थाना कोल्हार क्षेत्र का रहने वाला है। आगर मालवा से सीनियर संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अचानक पहुंचे PHQ। मुख्यमंत्री ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में दिया अधिकारियों को निर्देश, अशोकनगर SP पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए। थाना प्रभारी इछावर पर प्रक्रिया अनुसार निलंबित करने के भी निर्देश दिए हैं। भोपाल से सीनियर संवाददाता राकेश दिवानिया की रिपोर्ट। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में जिला जेल में बंद महिला कैदी की हुई मौत। महिला कैदी की मौत से मचा हड़कंप। मृतक महिला सूरजवती पत्नी स्वर्गीय स्वामी प्रसाद, उम्र 78 वर्ष, थाना जगतपुर क्षेत्र की रहने वाली थी। मृतक महिला दहेज प्रथा मामले में जिला जेल में अपनी सजा काट रही थी। जेल के पुलिसकर्मियों के द्वारा उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। जिला चिकित्सालय में तैनात चिकित्सक डॉक्टर संतोष सिंह ने किया महिला को मृत घोषित। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में रखा गया है। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के जिला जेल की है। कहाँ पे है? एक महिला को लाया गया, करीब डिस्ट्रिक्ट जेल से लाया गया, जो कि मृत एग्जामिन करते हैं, मृत अवस्था में पाया गया। मृत अवस्था में पाए जाने की वजह से उसको मर्चुरी में रखवा दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। रायबरेली से सीनियर संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। सहारनपुर के थाना गंगो के लखनौती में दिन दहाड़े युवक मुर्सलीन पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर घटना को अंजाम दिया गया। घायल युवक को CHC में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर हालत के चलते उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। सहारनपुर के SP देहात सागर जैन ने बताया कि तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना में शामिल जो भी अभियुक्तगण हैं, उनके खिलाफ गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी वे फरार हैं, इसमें विधिक कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है तुम्हारा? साहिद है जी। आज क्या मामला हुआ है? ऐसा हुआ जी, छोटा भाई बाजार में गया था सब्जी लेने के लिए, और मुर्सलीन उतरते ही उसके चक्कू से गला काट दिया, पेट में मार दिया, उसके पेट से खून बह रहा, बहुत बुरी कंडीशन में है। अच्छा, कौन लोग हैं जिन्होंने मारा है? ये फकीर है जी, उसका सलीम का लड़का मुर्सलीन। रंजिशबाजी थी क्या? था पहले होगी थी जी, बच्चों को पर निमट गई थी, 100-150 रुपए पर लड़ाई निमट गई थी पहले, और अब उसने आया चक्कू मार दिए। आप जाके देख सकते हो कंडीशन क्या हो रही है। पुलिस को सूचना दी आपने? जी, पुलिस को दी सूचना, फिर यहाँ पहुंचे हम अस्पताल। कितने लोग हैं मारने वाले? मारने वाला तो एक है जी। नाम अली मिर्जा है सर। अच्छा, लखनौती। आज क्या देखा है लखनौती में? क्या जी, मैं सर जी अपने घर से खेत में जा रहा था, तो रास्ते में बाजार में भीड़ हो रही थी, 200-400 लोग थे, तो मैंने उतर के देखा तो ये मुर्सलीन जो है पूनम खान पड़ा था जी, पूरा इसका खून चल रहा था बदन से, बाजार में लेटा था, कोई इसे उठा नहीं रहा था, तो मैं तो सर अपनी गाड़ी में लिटा के इसको हॉस्पिटल ले गया सर। सारी दुनिया खड़ी थी, कोई उठाने वाला नहीं था जी, सर लेटा था अकेला। हुआ क्या इसके साथ में? भाई सर, ये मैं मौजूद नहीं था, मैं तो सिर्फ जब पहुंचा, जब ये लेटा हुआ था सर, मैं तो एकदम उठा के यहाँ पे आ गया, मुझे वाकई का मालूम आया। आज थाना गंगो पर सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कि एक ग्राम सकरपुर निवासी व्यक्ति ने थाने पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके चचेरे भाई जो हैं, जिनका नाम मुर्सलीन है, उन्होंने अपने एक साथी के साथ मिलकर, जब वह ग्राम लखनौती में कुछ सामान खरीदने गए थे, जान से मारने की नीयत से उन पर हमला किया। और उन्होंने ये भी बताया कि जो इनके साथ अभियुक्त गण के साथ जो है पैसे को लेन देन का विवाद चल रहा है, उसी के वजह से उन्होंने ये घटना कारित की है। इस सूचना पर तत्काल उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है, एवं जो उसमें चोटिल व्यक्ति है उसको इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। अभी उनकी हालत स्थिर बताई गई है, एवं इसमें जो भी घटना में शामिल अभियुक्तगण है, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं, अभी वे फरार है। शीघ्र ही जो भी इसमें घटना में शामिल व्यक्ति है उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।
एवं संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।